हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीख रहे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्वेश्चन ये है कि आपका बेसिक कंप्लीट होने के बावजूद भी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, या फिर बेसिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए जो आप अंग्रेजी आराम से बोल पाएँ। तो पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप किसी दवा दुकान में जाते हैं तो कौन सा मेडिसिन चाहिए, ये जानना जरूरी है। आपकी बीमारी जो है उसी की मेडिसिन आपको वहाँ लेनी है। ऐसे मेडिसिन तो वहाँ पर बहुत तो रखा हुआ है, तो इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए क्या वो मैं आपको हमेशा बतलाते रहता हूँ, जो आप जान करके इंग्लिश बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बेसिक जानने के बावजूद भी इंग्लिश बोल नहीं पाते, उसका कारण क्या है। मान लीजिए अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है या मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, और आप कितनों भी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि बाइक ऐसे चलाना चाहिए, ये क्लच का वर्क है, ये फंक्शन क्लच का है, ये ब्रेक ऐसे होता है, तो आप फिर भी बाइक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप बाइक चलाने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बाइक चलाना नहीं सीखेंगे। उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सिर्फ थ्योरी जितना भी मजबूत कर लें, इसे जितना भी पढ़ लें, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस करें कहाँ से का है तो है, ये भी क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कहाँ करें, किससे करें। एक बात याद रखें कि जो भी आपके इंटरेस्टेड पीपल फ्रेंड्स हैं जो वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसे का सर्किल बना करके आप छोटे छोटे टॉपिक पर बात किया कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, और देखिए आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार हिंदी के लिए कोई हिंदी बोलने के लिए आपको कोई स्पोकन कोर्स नहीं करना पड़ा, इंग्लिश भी एक सर्किल में रहकर आप आराम से सीख सकते हैं। तो हम जो भी बतलाते हैं इसे ध्यान से सीखिए, पढ़िए, और इस पर प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन है वो सिर्फ स्पोकन के लिए है। आज के जो इस वीडियो में जो भी बतलाएंगे सिर्फ स्पोकन बेस्ड है, तो इसीलिए एक एक पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि टोटल 8 स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहे हैं, टोटल 8। तो ज़रूरी है कि आप सभी को देखें, और इस वीडियो के अंत में आप सिर्फ क्वेश्चन भी करके जान लेंगे कि आपने सही से देखा, समझा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है while plus before। तो इसका यूज कब करेंगे, जब आप दो काम को एक साथ करना है। जैसे मैं जब बाजार जा रहा था तो तुम्हारे भाई को देखा, या फिर मैं बिछावन पर लेटे हुए टीवी देख रहा था, वह गाना गाते हुए खाना खा रहा था। और इस प्रकार कुछ भी दो एक्शन अगर एक साथ आप कर रहे हैं या फिर कोई कर रहा है, तो दो कामों को आप कैसे बोलेंगे, दो एक्शन को आप किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे, इसे देख लेते हैं। तो इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि जब एक्शन हो रहा हो, जब एक्टिविटीज चल रहा हो, तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यानी कि अगर हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होगा करते हुए, करते हुए, माने को एक काम को करते हुए दूसरा काम को करते रहना। जैसे देख लीजिए, जैसे व्हाइल गोइंग टू मार्केट आई सॉ योर ब्रदर, यानी जब मैं बाजार जा रहा था या फिर बाजार जाते हुए मैंने तुम्हारे भाई को देखा था। बाजार जाते हुए दो काम हुआ, एक तो मैं बाजार जा रहा था उसी समय तुम्हारे भाई को देखा था, तो इस प्रकार होगा। दूसरा है लाइंग ऑन बेड आई वॉच वॉचिंग टीवी, मतलब ये हुआ कि बिछावन पर लेटे हुए, जब हम बिछावन पर लेटे हुए थे हम टीवी देख रहे थे। दो काम एक साथ हो रहा है, एक तो व्यक्ति बिछावन पर लेटा हुआ है और दूसरा वो टीवी भी देख रहा है। तो जब ये दो काम आप एक साथ कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में आप व्हाइल प्लस वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। एक और बात जानना है, अगर आप चाहें तो व्हाइल का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही है, आप चाहें तो व्हाइल का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, और चाहें तो कर भी सकते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि आप पर देखेंगे व्हाइल टीचिंग यू इंग्लिश, मतलब आपको अंग्रेजी पढ़ाते हुए इवन आई एम लर्निंग इट, और मैं भी इसे सीख रहा हूँ। जब भी आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, तो आप भी सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हाइल टीचिंग यू इंग्लिश इवन आई एम लर्निंग इट, आपको अंग्रेजी पढ़ाते हुए मैं भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो अब आपने समझ लिया है कि कोई भी काम को करते हुए दूसरे काम को आपने किया, तो इसके लिए डब्ल्यू माने व्हाइल के साथ में वर्ब फॉर, और उसके बाद में फिर आप सेंटेंस को लिखेंगे। इसी तरीके से अब देखते हैं यहाँ पर
अब ये क्या है, हैविंग प्लस वी थ्री है, तो इसे ग्रामर में क्या बोलेंगे, कौन सा है ये, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर क्या है कि कोई काम करके, मान लीजिए हम लिखते हैं करके, एक काम को करके फिर दूसरे काम को करना, एक काम को पूर्ण रूप से खत्म करके, एक काम को फिनिश्ड करके आप दूसरे काम को करते हैं, तो हैविंग वी थ्री का प्रयोग कर दीजिए। जैसे हैविंग वी थ्री में क्या होगा, हैविंग रिस्ट होम, घर पहुँच कर, आई हैड अ बाथ, मैंने स्नान किया, मतलब मैंने घर पहुंच गया और स्नान किया, दो काम हुआ, एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और उसके बाद दूसरा काम मैंने करना शुरू कर दिया या फिर उसे ख़त्म भी किया। उसके बाद क्या है, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई लिफ्ट फॉर होम, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ तो अपने काम को पूरा समाप्त कर लिया और उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया, तो आप क्या करेंगे, क्या समझना है यहाँ पर, कि एक काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा काम को करेंगे, तो हैविंग और वी थ्री का प्रयोग करेंगे। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता करके, द चाइल्ड वेंट टू स्कूल, और बच्चा स्कूल चला गया, तो नाश्ता कर लिया, नाश्ता का काम खत्म कर लिया, नाश्ता करके वह स्कूल चला गया। हमेशा याद रखेंगे, इंग्लिश बोलते समय आपके जुबान पर हर कुछ फिट रहना चाहिए, और तभी होगा जब आप इसे बिल्कुल सही से समझ रहे हैं। तो एक काम को बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा काम करते हैं, तो हैविंग वी थ्री, और उसके बाद में प्री सेंटेंस आप लिखेंगे। आगे चलते हैं, बाउंड टू का प्रयोग कब करेंगे, मान लीजिए कोई काम करना तय है या फिर होना ही है, अगर कोई काम, कोई एक्शन होना तय है, निश्चित है या फिर होना ही है, तो आप बाउंड टू का प्रयोग करेंगे कैसे। जैसे ही वॉज बाउंड टू फॉल इन लव विद हर, उसे तो उसके साथ प्यार होना ही था, मतलब कोई बात तो निश्चित था, होना ही था, तो उसमें बाउंड टू का प्रयोग करेंगे, वह इज आर एम, फिर वज वर के साथ में कर सकते हैं, वर टू बी के साथ में करेंगे। द वार इज बाउंड टू हैपन इन द नियर फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि नज़दीकी भविष्य में युद्ध तो होना ही है, तो अगर कोई काम निश्चित है, डिसाइडेड है, प्लान्ड है, तो फिर उसमें बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू हेल्प द पुअर इन द कंट्री का मतलब ये है कि सरकार देश में गरीब लोगों को मदद करेगी ही, या फिर मदद तो करना ही है, तो जो चीज़ डिसाइडेड है, प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, होना ही है, समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, इन दिस वे वी कैन यूज बाउंड टू। नेक्स्ट, अब उसी तरीके से पॉइज टू को देख लेते हैं, क्योंकि ये सब, ये दोनों आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न न्यूज़ में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइज टू का मतलब है तैयार, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में यूज़ करेंगे, तैयार है, जैसे किसी विशेष एक्शन को करने के लिए अगर कोई तैयार है तो पॉइज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आर पॉइज्ड टू अपीयर एट द एग्जाम का मतलब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर पॉइज्ड टू का यूज करेंगे। पीपल आर पॉइज्ड टू इलेक्ट अ गुड लीडर का मतलब ये हुआ कि लोग एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए तैयार हैं, लोग एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए तैयार हैं। द गवर्नमेंट इज पॉइज्ड टू टेक एन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट मतलब सरकार इसके खिलाफ कड़ी एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो आप पॉइज टू का यूज कहाँ करेंगे, तैयार है। आप अपने बारे में बोल सकते हैं कि आई एम पॉइज टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ, आई एम पॉइज टू गो टू मूवी, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और अभी टोटल चार बतला दिया है, चार स्ट्रक्चर्स को और देख लेते हैं। और नेक्स्ट रूल यहाँ पर देखेंगे, किप के साथ में वर्ब फॉर का यूज कब करेंगे, तो जब कोई काम को करते रहना है तो उस कंडीशन में किप प्लस वी फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करते रहना, कोई काम को जारी रखना, जारी रखना, अगर कोई एक्शन को आप जारी रखते हैं, करते रहते हैं, तो किप के साथ में वर्ब फॉर का यूज करेंगे। जैसे व्हेन एवर I see her, she keeps studying. जब भी मैं उसे देखता हूँ वह पढ़ते रहते हैं, वह अध्ययन करते रहते हैं।
ऐसा आम बोलचाल में आप बोलते हैं कि जब भी मैं उसे देखता हूँ वह पढ़ते रहते हैं, वह पढ़ते रहता है, तो आप किप का प्रयोग कैसे करेंगे? किप के साथ में वर्ब फोर का यूज करेंगे। उसके बाद है वेयर एवर आई गो टूडे आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। मतलब सोचते रहना, खेलते रहना, पढ़ते रहना, सोते रहना, किसी काम को करते रहना, कीप के साथ में वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही kept weeping all day। जब उसने इस घटना के बारे में जाना, जब उसने इस न्यूज़ को सुना, तो दिन भर रोते रहा। तो all day का प्रयोग करेंगे दिन भर के लिए। तो ही kept, अब यहाँ पर देखेंगे kept का verb 2 क्या होगा, keep का verb 2 क्या होगा, kept होगा, verb 3 भी kept होगा। तो ही kept weeping all day, जब वह न्यूज़ सुना या घटना को सुना, इस न्यूज़ को सुना, वह दिन भर रोते रहा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट के साथ में वर्ब फोर का यूज कैसे करेंगे। तो जब भी किसी काम को आप करने लगते हैं तो उस कंडीशन में स्टार्ट के साथ में वर्ब फोर का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे करने लगना, किसी काम को करने लगना। जैसे लुकिंग एट मी दिस मॉर्निंग शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। मतलब आज सुबह, दिस मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह, टुडे मॉर्निंग नहीं करेंगे, दिस मॉर्निंग मिस आज सुबह। तो लुकिंग एट मी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मुझ पर देखकर सी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वह जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद है लुकिंग एट हिज फादर ही स्टार्ट्स, अब यहाँ पर प्रजेंट में है, इसमें पास्ट में है। तो लुकिंग एट हिज फादर ही स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक, मतलब वो अपने पिता को देखकर किताब पढ़ने लगता है। जब भी उसके पिताजी आसपास से गुजरते हैं और नज़र पड़ता है इस लड़का का, तो किताब पढ़ने लगता है, बतलाता है देखो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, बैठा हुआ नहीं हूँ। नेक्स्ट है व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही स्टार्टेड रनिंग अवे, जब मैं उसके घर गया वह भागने लगा। मतलब भागने का काम शुरू किया, स्टार्टेड रनिंग अवे, स्टार्ट के बाद में वर्ब फोर करेंगे, किसी काम को करने लगना। उसके बाद उसी तरह बिगिन टू का यूज करेंगे। बिगिन टू, आप स्टार्ट के जगह पर बिगिन टू का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्ट के जगह पे, या बिगिन टू के जगह पे स्टार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अंतर क्या है, जब स्टार्ट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब फोर का यूज करना होगा, और बिगिन टू में वी वन का प्रयोग करेंगे, इसमें इन्फिनिटिव होगा। तो व्हेन, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग भी होगा करने लगना, किसी काम को करने लगना, स्टार्ट कर देना। व्हेन द चाइल्ड लुक्ड एट मी ही बिगिन टू स्माइल, ये कितना बच्चा है, और उसने जब मुझ पर देखा तो फिर मुस्कुराने लगा। द गवर्नमेंट बिगिन टू हेल्प द पुअर इन द स्टेट, राज्य में सरकार गरीब लोगों को मदद करने लगे। नेक्स्ट है व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी बिगिन टू क्राई लाउडली, जब वह इस न्यूज को सुने तो वह जोर से चिल्लाने लगे। तो इसके जगह पर आप स्टार्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्टॉप का यूज इसी तरीके से कुछ करेंगे, जैसे करना बंद कर देना, करना बंद कर देना, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन अचानक उस काम को बंद कर दिए, तो स्टॉप के साथ में वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हेन आई कन्विंस्ड हिम, जब मैं उसे समझाया ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लीकर, उसने शराब पीना बंद कर दिया। उसके बाद क्या है, लुकिंग एट हिज टीचर, उसने अपने शिक्षक पर देखा और क्या किया, देखते ही क्या किया, ही स्टॉप्ड शाउटिंग एट मी, जैसे उसका नज़र टीचर पे पड़ा वह मुझ पर चिल्लाना बंद कर दिया। व्हेन हर आईज गॉट ट्रबल्ड, जब उसकी आंखों में समस्या हुई, उसकी आंखों में परेशानी हुई, उसने क्या की, शी स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, उसने टीवी देखना बंद कर दी। तो देखिए ये सब इतना अच्छा और इतना आसान स्ट्रक्चर है कि आप इसका यूज करते रहते हैं दिन भर, लेकिन इस पर कमांड करना है, सिर्फ जानने से नहीं होगा बल्कि सीखना है, और इसके लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस पर बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपने आज का वीडियो कितना सही से देखा है।
तो आज का सवाल है, तुम आजकल झूठ बोलने लगे हो, तुम आजकल झूठ बोलने लगे हो। तो अब देखिए कुछ हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इतना गलती करते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल का तो दिस देश या फिर नाउ डेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे आजकल का, दिस देश या फिर नाउ डेज। सवाल क्या है, तुम आजकल झूठ बोलने लगे हो। तो कोई काम करने लगना का स्टार्ट प्लस वर्ब फोर का यूज करेंगे या फिर बिगिन टू के साथ में वी वन का यूज करेंगे, आप दोनों में से जो चाहें यूज कर सकते हैं। तीसरी हिंट्स क्या है कि तुम आजकल झूठ बोलने लगे हो का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाएंगे हैव के साथ और वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। अब इतना बतलाने के बाद भी अगर गलती हो तो जुल्म है, तो आप गलती मत कीजिए। देखिए आप किस बिल्कुल सही बनाने का प्रयास कीजिए, और जो भी आप कमेंट लिखेंगे जरूर है कि मैं चेक करूंगा, आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। शायद ही कभी अगर हम व्यस्त रहते हैं तो आपको हम रिप्लाई नहीं कर पाते, आपको नहीं बता पाते हैं, लेकिन अक्सर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को पढ़ते हैं और हम जवाब देते हैं। और कभी कभी तो आप अपने किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सब भी बता दीजिए ताकि मैं आपको सही से पहचान सकूं, आपको मैं ठीक से जान सकूं। कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो करीब 2 सालों से रेगुलर कमेंट करते हैं, उनका एक बार कभी नाम भी बोलूँगा तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों से मेरा एक रिलेशन है, मजबूत रिलेशन है। तो इसी तरह बने रहिए और कमेंट करके आप रिलेशन को मेंटेन रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।